ये जो मैं आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल चीज टू रिमेम्बर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये जो रेशियो जो है आपको एक ट्रिक के जरिए आप कैसे याद कर सकते हैं हमेशा के लिए, कैसे अपने दिमाग में स्थिर कर सकते हैं, वो मैं एक ट्रिक लेकर के आया हूँ। और ये जो आपका ट्रिक जो है वो आपका 8.1 से लेकर के 9.1 लगभग हर जगह आपका उपयोग ये यूजफुल होगा। और ये जो टॉपिक आपका ये 10th क्लास का है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या कैसे हम याद करेंगे इसका। इसे आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री में इसका साइन का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री में मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री में मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री में मान क्या होगा और साइन 90 डिग्री में मान क्या होगा। चलिए इसका ट्रिक हम देखते हैं कैसे क्या होता है, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को सोल्यूशन करके दिया है एक्सरसाइज 9.1 से, जहां पे पहला नंबर क्वेश्चन का जो बोल रहा था आपका कि रस्सी की लंबाई का जो कोण का जो भूमि के साथ झुकाव जो था आपका 30 डिग्री था, तो वही आपका बोल रहा है कि साइन 30 डिग्री में मान क्या होगा। देखिए साइन 30 डिग्री हम कैसे जानेंगे इसका मान क्या होगा, तो वही उसका ट्रिक देखिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि जो काउंटिंग जानते हैं हम लोग जीरो से, और जो हम लोग जानते हैं ये पूर्ण संख्या का जो काउंटिंग जानते हैं कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से, वही लिखे 0, 1, 2, 3, 4 हो गया आपका, 4 तक की काउंटिंग लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसका 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसके नीचे 4 से डिवाइड कर दिए, 4 से डिवाइड कर दिए, सब में 4 से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के पश्चात आपको क्या करना है, सभी संख्या को अंडर रूट लेना है, सभी संख्या को अंडर रूट में दर्शा देना है। सबसे पहले हम क्या किए थे, काउंटिंग लिखे थे 0, 1, 2, 3, 4, उसके बाद में 4 से डिवाइड किए। डिवाइड करने के पश्चात सभी संख्या को हम किसमें ले लिए, अंडर रूट में। अंडर रूट लिखने के बाद में देखिए अब यहां से मान आपका स्टार्ट होता है साइन 0 डिग्री का, मतलब कोई भी संख्या को जब हम 0 में भागा, कोई भी संख्या से जब 0 में भागा देते तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। और रूट का 0 का मान होता है हमेशा 0, हो गया आपका। रूट एक का जो मान होता है, रूट एक का जो मान होता है वह 1 होता है। रूट 4 का जो मान होता है, रूट 4 का वह कितना होता है, 2 के बराबर होता है। तो बटा ये बटा आपका कितना हो जाएगा, 2, ये भी आपका हो गया। उसके बाद देखिए 2 से 4 कट जाता है, कितना बार में कटता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आपका कट गया। अब देखिए 1 का रूट जो होता है कितना होता है, 1 होता है। और रूट 2 का मान जो है आपका, देखिए 1 को तोड़ दिया ऊपर में, 2 आपका बच गया, 2 का अंडर रूट नहीं निकलता, इसलिए अंडर रूट में इसको छोड़ देंगे, 2 अंडर रूट, अंडर रूट। उसके बाद देखते हैं इसको रूट 3 का, रूट 3, 3 का क्या अंडर रूट नहीं निकलता, इसलिए रूट 3 का रूट 3 आपका हो जाएगा, बटा में कितना है, रूट 4। तो रूट 4 का जो मान निकलेगा कितना निकला, रूट 4 का मान कितना निकला था, 2 निकला था, 2 दे देंगे। अब देखिए 4 से आपका 4 कट गया, कितना बार में, 1 बार में, तो 4 से 4 आपका कट गया 1 बार में, तो रूट 1 का मान कितना निकलता है, 1 निकलता है। तो देखिए ये आपका मान निकल करके आ गया, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान 3/2, और साइन 90 डिग्री का मान आपका हो गया 1। अब चलिए चलते हैं कोस पे, कोस उसके बाद 10, कोस उसके बाद 10, बस इतना ही है आपका फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। तो चलिए कोस पे चलते हैं, तो कोस मेरा क्या कहता है, कोस मेरा कहता है साइन का जो मान निकलता है उसको उल्टा करके ही लिख देना। 90 डिग्री आपका 0 डिग्री का लगेगा, 60 डिग्री आपका 30 डिग्री का लगेगा, 45 डिग्री आपका 45 डिग्री का लगेगा, और 60 डिग्री आपका 30 डिग्री का लगेगा, 90 डिग्री आपका 0 डिग्री का लगेगा, मतलब क्रॉस आपका हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो कोस 0 डिग्री कौन करेगा, 90 डिग्री, ये आपका इधर से शुरू हो जाएगा, इधर से आपका कोस में शुरू हो जाएगा, तो 90 डिग्री का मान कितना है, 1 है। तो ये आपका कोस 0 डिग्री में 1 हो गया। फिर सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, उल्टा लिखा रहा है, कितना डिग्री, 60 डिग्री का मान √3/2, तो ये आपका 30 डिग्री में हो जाएगा कोस में, √3/2, 45 डिग्री का 45 डिग्री, 1/√2। उसके बाद फिर आपका क्या, 45 डिग्री के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√2, तो 1/√2 हो गया आपका। उसके बाद 0 डिग्री का मान कितना है, 0, तो ये आपका 0 हो गया। उसके बाद लास्ट जो आपका टॉपिक बचा हुआ है 10 का, तो 10 का भी देख लेते हैं क्या होता है 10 का। सुन टेन का, तो 10 का जो है आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे 8 पॉइंट में, जिस टाइम आप 8 पॉइंट पढ़ रहे होंगे, तो 10 का एक फॉर्मूला होता है, 10 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये आपका फॉर्मूला हो गया, 10 थीटा का मान निकालते हैं, ठीक है। तो 10 थीटा का फॉर्मूला हो गया आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो 10 थीटा का मान निकालते हैं, साइन थीटा का मान 0 डिग्री में कितना है, 0, तो इक्वल टू 0 बटे कोस थीटा का मान कितना है, 1, तो 1 आपका हो गया। तो कोई भी संख्या से जब 0 में डिवाइड करते हैं तो उसका मान कितना होता है, 0, तो 10 0 डिग्री का मान भी आपका 0 आ गया। अब 30 डिग्री का मान देखते हैं, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है, 1/2, तो 1/2 का 1/2 डिवाइडेड बाई कितना,
कमाना है रूट थ्री बाई टू, तो रूट थ्री बाई टू, तो वन बाई टू का वन बाई टू इंटू ये आपको ऊपर चला जाएगा टू और नीचे में आपको क्या देगा रूट थ्री, टू से टू कट गया आपका क्या बचा वन बाई रूट थ्री, तो वन बाई रूट थ्री हो गया। उसके बाद 45 डिग्री का क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो साइन थीटा का मान आपको कितना है, साइन थीटा का मान 45 डिग्री में 1 बाई रूट टू, तो 1 बाई रूट टू डिवाइडेड बाई कोस थीटा में उसका मान कितना 1 बाई रूट टू, तो 1 बाई रूट टू, तो 1 बाई रूट टू से आपका क्या हो जाएगा 1 बाई रूट टू, ये भी आपका पूरा का पूरा कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 1 बार में, तो ये आपका कितना आ गया 1। इसी प्रकार से आप जो है 60 डिग्री का मान निकालिए और 90 डिग्री का मान निकालिए। ये जो आपका टिप्स एंड ट्रिक्स जो था सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये जो आपका रेशियो दिया हुआ था 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये आपका एक्सरसाइज 9 का मैं बताया था, ये आपका जिस टाइम आप 8.4 8.3 8.2 ये सब जितना भी आप चैप्टर बनाएंगे इस टाइम सारा का सारा जो आपका उपयोगी फॉर्मूला है। थैंक यू।